नमस्ते, मैं एजे जिगीशा। कहानी मेट्रो में आपका स्वागत है। एक ज़ेन कथा है। एक बहुत बड़ा चोर था, वो एक मास्टर चोर था, कभी पकड़ा ही नहीं गया था। लेकिन जब वो बूढ़ा हो चला तो उसके बेटे ने उससे कहा कि पिताजी, अब ये आपकी कला आप मुझे सिखा दीजिए, क्योंकि अब आपका क्या भरोसा। बूढ़े पिताजी ने कहा कि ठीक है, तुझे मैं ये कला सिखा दूंगा, कल तू मेरे साथ चलना। दूसरे दिन वो अपने बेटे को लेकर कोई एक जगह पर गया। वहां पे उसने एक सेंध लगाई। उसके बाद बूढ़ा अपने बेटे को लेकर अंदर गया। वहां पे एक बहुत बड़ी अलमारी का उसने ताला खोला और बेटे को कहा कि तू अंदर जा। जैसे ही बेटा अंदर गया, उसने ताला लगाकर चाबी सीधे अपने खिस्से में डाली और बाहर निकल गया। बाहर जाकर उसने जोर से शोरगुल मचाया, चोर चोर, और फिर चुपचाप से सेन से निकलकर अपने घर चला गया। सारा घर जाग गया और लड़के ने तो अंदर ही अपना सिर पीट लिया कि ये क्या सिखाना हुआ। उसने कहा अब तो मारे गए, और फिर बुद्धि ने भी काम करना बंद कर दिया, अब वो क्या करे। अचानक से उसे कुछ सूझा और उसने ऐसी आवाज़ निकाली जैसी बिल्ली का। घर वालों ने नौकरानी को भेजकर ये पता लगाने के लिए बोला कि अलमारी में कहीं बिल्ली तो नहीं है। नौकरानी दिया लेकर अंदर झांकने लगी। जैसे ही वो अंदर गई, इसने दिए को बुझाया फूंक मारकर और फिर उसे धक्का देकर भाग गया। बड़ा शोरगुल मच गया, 10-20 आदमी उसके पीछे हो लिए। वो भागकर एक कुएं के पास पहुंचा। वहां से उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और कुएं में पटका। पत्थर गिरते ही वहां पे भीड़ इकट्ठा हो गई। सब समझे कि चोर कुएं में गिर गया और फिर सब अपने घर वापस लौट गए। इधर दूसरी तरफ चोर अपने घर पहुंचा और अपने बूढ़े बाप को अपने बारे में बताने लगा। बाप ने कहा तू आ गया है, अब बाकी कहानी सुबह सुन लेंगे, और वैसे भी तू सीख गया है, अब तुझे सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ खतरा होता है वहाँ तुम जाग जाते हो, जहाँ खतरा होता है वहाँ विचार अपने आप बंद हो जाते हैं। खतरे का उपयोग करो, भय है तो जाओ। खतरे से सुरक्षा मत करो। खतरे से सुरक्षा करने में तो हमारी चेतना क्षीण हो जाएगी। वह बड़ी अद्भुत स्थिति है, कंपन आएगा, रोआ रोआ थर थर हो जाएगा। यदि तुम उस समय जागे रहे तो तुम्हारी प्रतिभा पर धार आएगी। भयभीत करने वाली परिस्थितियों से भागो मत, उनमें उतरो, अपने सामर्थ्य को चुनौती दो, तब तुम पाओगे कि कितना सामर्थ्य है तुम में।